मेहनत मेहनत अलकासे तो हबीबुल्लाह हदीस पाक का मफहूम है, मेहनत ही अल्लाह का कोई नहीं है। इस गर्मी के मौसम में इसकी मेहनत को के चौपाल खल को उसने स्लाट कर देना सोचिए शो ला के तू ये बात की सुन आओ ना चेरी दीदी ना लो आयो आई नहीं आता ना 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 हेरो तो गला करना सी कमल वो बड़ा सा अगर समझ दे पैकेज बड़ा था कमल वीडियो भी बन गई है बड़ी जल्दी थोड़ा भी बन गई नाम कह दे यार कायदी ना आगे प्रेस कर सदर साहब पीके फिर जी सदर साहब कैसा जायका है और कैसा लगा आपको ये माच? बहुत अच्छा जायका भी है इसका और आपसे मैं जब भी यही कहूँगा कि जब भी बटपुर मानसना आए अशोका फैमिली पार्क में आए तो खालिद का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि गरीब आदमी है मैंने मजदूरी करके अपनी अपने और बच्चों के लिए रिस्क मारा है। अल्लाह पाक ने ये कहा हुआ है कि अलकासिब हबीबुल्लाह ये मेहनती आदमी है इसके साथ ज़रूर तावन करें और यहाँ का ज़रूर शिकंजबीन इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम इस वक्त बर्ड पुल के करीब बिल्कुल मौजूद है। अशोका जिसे कहते हैं ये बहुत मशहूर जगह है और ये क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद खालिद जो ये शिकंजी बना रहे हैं बहुत जायकेदार बहुत ज़बरदस्त और बड़ा मेहनती है और सुबह से आकर यहाँ ये शदीद धूप में लोगों को ये ठंडा यह शिकंजी पिला रहा है बहुत मज़ा आ रहा है इंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद खालिद साहब नाम इसने बताया। क्या नाम बताया है साहब? मोहम्मद खालिद साहब। यहाँ आप लोगों ने हंसना नहीं गौर से ये देखना और सुनना और लाइक भी करना और यहाँ आकर शिकंजी भी पीना। क्या नाम बताया है भाई साहब? मोहम्मद खालिद। और अभी मैं दोबारा मैं खुद भी टेस्ट करने लगा हूँ और ये देखें जी ये नाम क्या बताया भाई साहब आपने? मोहम्मद खालिद जी। ये हमारे सरफराज यूसुफ़ज़ई भाई हैं, ये थोड़े से माहौली हैं थोड़े से शुगली हैं। ये जो हमारे खालिद भाई हैं उनके साथ शुगल वगैरह कर रहे हैं, साथ में इकराम भाई हैं। इकराम भाई कैसा जायका लगा और बताएं जी? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। और इस मौसम में सावन और गर्मी जिसको हाड़ भी कहते हैं इस मौसम में ये वाला आप कवरेज करने के लिए गए हुए थे, कितनी शदीद गर्मी थी वहाँ से प्रोग्राम बना के देहाती एरिया था शरिया का वहाँ से हम अभी होके आ रहे हैं तो उस गर्मी में हमने जब इस बाइक को यहाँ रोड पे मेहनत करते देखा तो हमारा दिल किया कि हम इसके पास खड़े हों। शिकंजबीन तो पियेंगे ही लेकिन उसके साथ इसकी मेहनत और इस चीज़ को देखकर यासर भाई मैं से ये पूछता हूँ कि इस शिकंजी में ये क्या कुछ इस्तेमाल कर रहा है? क्या नाम बताया आपने भैया? मोहम्मद खालिद साहब नाम है इसका। और हम अभी इसे पूछते हैं कि ये शिकंजी में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद खालिद साहब अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पेमेंट दे दे रहे हैं, ये पेमेंट वसूल कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बताएं, साथ साथ ये भी बताएं कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू चीनी नमक आता है, ब्लैक नमक इसमें होता है, नींबू होता है और चीनी भी होती है, काला नमक होता है। ये अपने सरफराज यूसुफ़ज़ई भाई ने ब्लैक कहा है, कोई ये ना समझे कि ब्लैक वो जिस तरह तोरा ये पश्तो में बताया यानी कि काला नमक। क्या नाम बताया था आपने अपना? अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, सरफराज भाई इसको तंग करने लगे खालिद भाई को, तो एक दफा यहाँ पे लाजमी आए जी। शुक्रिया।